जम्मू कश्मीर के एक पुलिस वाले ने खुलासा किया है कि कश्मीर में पत्थरबाजों को जुटाने के लिए 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे। हालांकि दावा है कि पुलिस ने अब इन ग्रुप्स पर काबू पा लिया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की स्थिति को देखते हुए महबूबा मुफ्ती से नाराज है केंद्र सरकार। सीएम महबूबा मुफ्ती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाली है। कश्मीर में पत्थरबाजी करते दिख रहे इस तरह के लड़कों को जुटाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कश्मीर में पथराव करने वालों को जुटाने के लिए तकरीबन 300 व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि उसमें से 90% अब बंद हो गए हैं। पीटीआई को नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि हर ग्रुप में तकरीबन 250 सदस्य थे। पुलिस ने इन ग्रुप और ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान की, जिन्हें पुलिस ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। उन्हें इस पहल पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा कि पिछले 3 हफ्ते में 300 में से 90% व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने से मुठभेड़ों के दौरान पथराव में भी कमी आई है। आज जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर कश्मीर की आग बुझाने की कोशिश करेंगी। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार से सख्त नाराज है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्य में कानून व्यवस्था के लगातार खराब होते हालात के बीच दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। महबूबा सरकार के समर्थन वापसी के हालात में राज्य में राज्यपाल शासन लगाने और नए गवर्नर की नियुक्ति समेत तमाम विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनी थी। मेरा कहना है कि गंभीर समस्या है, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। निश्चित ये जो सरकार बनी है, इस सरकार के बेमेल है और पीडीपी के साथ जो इनने वादा किया था वो एक भी पूरा नहीं किया। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। ये मुफ्ती सईद की बेटी की बस का नहीं है और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है पाकिस्तान से। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार घाटी में हालात को सामान्य करने के लिए किसी फौरी इलाज की तरफ नहीं जाना चाहती, बल्कि एक दूरगामी रणनीति के तहत काम करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसी भी सूरत में अलगाववादियों से बातचीत नहीं करेगी। मौजूदा हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार सेना और सुरक्षा बलों को आतंकियों और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट देने के पक्ष में है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की आशंका है, आने वाले दिनों में घाटी में हालात और बिगड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें तेज होने की आशंका है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।